जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो। इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे तीन चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान बाय संध्या सक्सेना, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा। लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना भी यूट्यूब पे मिलेगा, और एस्ट्रो संध्या सक्सेना भी आपको मुझे जो है यूट्यूब पे मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना, और फेसबुक पे भी एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से हूँ, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, यदि प्रेम आपके जीवन में कम हो गया है, पति आपकी बिल्कुल बात नहीं मानता है, पति आपकी बात नहीं सुनता है, या प्रेमी आपकी बात को नहीं सुनता है, आप इसके लिए टाइम पास हो गए हैं और आप तो दुखी हो गए हैं कि उसको मनाए कैसे, प्यार आपके जीवन में कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, तो और कम होता जा रहा है। वैसे तो ये प्रयोग देखिए लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं, बताना मेरा काम है, करना या ना करना आपका काम है। शुक्र ऐसी चीज है जो कभी भी कमजोर होता है तो प्रेम व्यवहार नहीं हो पाता है या प्यार को कम कर देता है, आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी। आपका जब आपका सम्मान कम हो रहा होता है तो आप समझिए कि आपका प्यार कम हो रहा है। अभी क्या करना है ऐसे में, यदि आपका प्यार भी कम हो रहा है और आप परेशान आ गए हैं, सामने वाला आपको पहले की तरह प्यार नहीं करता, पहले की तरह आपको चाहता नहीं है, फिर चाहे आपकी पति हो या आपका प्रेमी हो, प्रेमिका और गर्लफ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं, पत्नी के लिए भी कर सकते हैं वैसे, तो आपको क्या करना है, चांदी का छल्ला लेके आना है और आपको इसको पैर के दोनों अंगूठों में पहनना है, क्योंकि पैर के अंगूठे और हाथ का जो अंगूठा होता है, शुक्र का वास होता है इसमें। चांदी की जो गोल्ड रिंग्स से आती है ना, छल्ले टाइप के, बस आप उसको पैरों में पहनेंगे, लड़कियां पहन सकती हैं, आराम से पहनेंगे। और हाँ, जिन जिन लोगों की नाभ उतर जाती है, कई लोगों की नाभ गिरती है, उन लोगों को भी पैर के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, उससे नाभ नहीं गिरती। अगर किसी कारण से आप नाभ चांदी का छल्ला नहीं पहन सकते हैं कि कोई चिल्लाएगा या देखने में अच्छा लगेगा, तो ऐसे में सफेद रंग का चमकीला धागा कई बार फोल्ड करके आप अपने पैर के अंगूठे में बांध लो, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपका प्यार मजबूत होगा। जिसको आप चाहते हैं, पति हो या पत्नी, आपके कंट्रोल में रहेगा, तो आप इसे कर लीजिए। और भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मैसेज है, और ये मैसेज जो है रूपाली गर्ग का आया है, और रूपाली जानना चाहती हैं कि क्या ये सरकारी टीचर बन पाएंगी। तो मुझे लगता है 5 वर्षों में आप सरकारी टीचर बिल्कुल बन सकती हैं, कुछ रेमेडी बताई है उसको कुंडली में, उसे कर लीजिएगा। और साथ में सत्येंद्र शर्मा चाहते हैं लव मैरिज करना, और विनीता पटेल चाहती हैं लव मैरिज करना, इन दोनों की ही लव मैरिज हो ऐसी मैं गणेश जी से कामना करती हूँ। तो हे गणेश जी महाराज, मुझ पे, मेरे परिवार पे और सभी लोगों पे कृपा करने के लिए धन्यवाद, और इन दोनों की लव मैरिज की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, मैं ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।